The area of a square field is 0.5 hectares. The length of its diagonal is, तो आपका ए में लिखा 10, 100 मीटर, 50 मीटर, 250 मीटर, 50 इंटू रूट 2 मीटर. कह रहा है कि आपका एक स्क्वायर फील्ड है, एक फील्ड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है, जिसका एरिया 0.5 हेक्टेयर की है. देन उस जो आपका स्क्वायर फील्ड है उसकी क्या फाइंड आउट करें, उसके डायगोनल्स क्या होगा. मीन्स देखो, दिस इज योर स्क्वायर फील्ड. स्क्वायर फील्ड है जो कि एज स्क्वायर के फॉर्म है, जिसकी आपको एरिया जो दिया है कितना, एरिया ऑफ जो है स्क्वायर कितना दिया, 0.5 हेक्टेयर दिया है. ओके, 0.5 हेक्टेयर इट्स एरिया है, ठीक है. देन इसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है. लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ए की फाइंड करनी पड़ेगी, उसकी साइड फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्योंकि डायगोनल्स निकालने के लिए आपको रूट अंडर 2a, द ए इज योर एट साइड होगा. देन सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए वन हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर, क्योंकि ऑल इज गिवन इन मीटर, सभी मीटर में दिया, देन आपको भी मीटर में करना पड़ेगा. तो आपको 10,000 मीटर स्क्वायर होता है. देन आपको कितना, 0.5 हेक्टेयर्स. ओके, हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 10,000 इंटूज होता है 0.5. देन पॉइंट हटाओगे, डेसिमल हटाओगे, उसके बदले में आपको डेसिमल के बदले 1 एंड डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट है, देन उसके बदले 10 लिख दो. तो आपका 10 से 10 कट गया, मीन्स आपका कितना हो गया, आपका 5,000 हो गया, ठीक है. 5,000 इज योर मीटर स्क्वायर, इतना आपका एरिया है, ठीक है, आपका स्क्वायर के एरिया. तो देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपका 5,000 आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ए स्क्वायर होती है, देन 5,000, देन ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, देन ए इक्वल टू 5,000, इधर आपका स्क्वायर है, देन इस साइड अगर रूट अंडर होगा. देखो, इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि जो था पेयर में है, जिससे एक इजिली निकल सके. ओके, तो 5,000 कैसे करोगे, आपको 5 इंटू जो होता है 1,000 कर सकते हो, ठीक है ना. एंड देन इसको और सिंपल करो ताकि आपको इजिली से समझ में आ गया, 5 हो गया, और आपको 1,000 किस कैसे कर सकते हो, तो देखो आपको 100 इंटू 1,000 कर सकते हो. देन इसको कर सकते हो 5 इंटू जो होता है 100, इसको 100 को आपको 10 इंटू 10 कर सकते हो, इंटू 10, तो आपका 2 10 से मिल गया, लेकिन 1 10 नहीं मिला, 1 5 नहीं मिला. इसको और देखना है, ब्रेक करने से अगर नहीं होगा आगे तो इतने पे देखेंगे, और हो गया तो अगर और स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे ताकि दो पे एक पेयर में बन सके, ठीक है. 5 हो गया, और इससे आपका 10 इंटू 10 आपको निकल जाएगा, 1 10 निकल जाएगा. देन 10 को आप 2 इंटू 5 के रूप में भी तोड़ सकते हैं. देन आपका भी 5 2 मिल गया, 10 भी 2 5 और 2 1 ही है. देन आपका 2 2 है, उससे 1 निकल जाएगा, जो 1 है वह नहीं निकल पाएगा. मीन्स इधर 5 इंटू 10, इधर कितना बचेगा आपका, रूट 2. मीन्स आपका ए इक्वल टू जो था 50√2 इज योर साइड्स ऑफ द स्क्वायर होगा. देन इसकी डायगोनल्स निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है. लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, आपका √2a होता है, ठीक है, √2. एंड देन ए इज यहाँ 50, आपका 50 इंटू √2a. ओके, देन जो था 50 इंटू √2 इंटू √2. ओके, देन आपका 50 और √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 होगा. एंड देन जो है आपका जो है √2 से 2 होगा, एंड 50 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना होगा, 100s का होगा. ओके, 100 स्क्वायर मीटर. ओके, देन इसमें 100 का है, आपका ए में 100 है. प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें. ओके, थैंक यू.